नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज द हाइट ऑफ द इमेज इज 20 सेंटीमीटर. तो अब हमारे पास जो हाइट गिवन है इमेज की वो गिवन है, दैट इज एच आई 20 सेंटीमीटर. नेक्स्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, ये गिवन है 40 सेंटीमीटर. तो सेम ऊपर वाला केस है हमारे पास. तो यहाँ से अगर आप देखें तो मैग्नीफिकेशन आपका आएगा -1/2 और इमेज की हाइट यहाँ पर होगी -120. नेक्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास होगा लाइक अब हम यहाँ पर देखें तो ये गिवन है कि ऑल्सो इफ़ द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज डिस्टेंस हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर. और आपको पता है इस केस में इमेज कहाँ बनती है, दैट इज़ राइट हैंड साइड. तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, या फिर हम कहें +120 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हम पहले यू कैलकुलेट करेंगे और फिर फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे. तो मैग्नीफिकेशन होता है एम, जो कि इक्वल होता है, हमने -1/2 लिख लिया, वी अपॉन यू के. तो वी हमारे पास है 120 डिवाइडेड बाय यू. तो यू यहाँ से आ जाएगा हमारा, दैट इज़ -240 सेंटीमीटर. तो यू तो आ गया हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -240 सेंटीमीटर. वी हमें पता है कि 120 सेंटीमीटर है, दोनों वैल्यूज़ अब पता है. तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट करने वाले हैं, यू ऑल नोज दैट इज़ एक तरह से यहाँ पर लेंस फॉर्मूले में. तो 1/f इक्वल होता है लेंस फॉर्मूले में 1/v -1/u. तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/f इक्वल 1/120 -1/-240. और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पर, एक तरह से माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ से प्लस. तो अब आ जाएगा हमारे पास 1/f इक्वल नीचे आ जाएगा 240 और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2+1. तो 1/f यहाँ से इक्वल आ जाएगा 3/240. और इसे अगर हम कट करें तो ये आएगा 1/80. तो हमें तो एक तरह से यहाँ पर रेसिप्रोकल मिल गया f का, f तो नहीं मिला लेकिन हमें f बताना है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. तो f आ जाएगा यहाँ से 80 सेंटीमीटर, यानी कि जो फोकल लेंथ है उस लेंस की वो है 80 सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट